टॉपिक ऑफ टुडे इज स्ट्रेप्टोमायसिन. आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेप्टोमायसिन. उसके बाद स्ट्रेप्टोमायसिन की डिस्कवरी जो करी थी वो करी थी सेल्समैन वैक्समैन जी ने. एंड ये स्ट्रेप्टोमायसिन का स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है. स्ट्रेप्टोमायसिन डिस्कवर किया था वैक्समैन और प्रोड्यूस हुआ था एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जिसका नाम है एक्टिनोमायसिट्स स्ट्रेप्टोमायसिस गरीसियस. उसके बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं. फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो सैक्रोमाइसिस के जो स्पोर्स है उसको इनोकुलेट किया जाता है मीडियम के अंदर. फिर उसकी हाई सेलुलर बायोमास इंट्रोडक्शन किया जाता है यूजिंग इनोकुलेटम टू स्टार्ट द फर्मेंटेशन प्रोसेस. यील्ड इन प्रोडक्शन वेसल हाई एजिटेशन डाला, हाई हवा, अच्छी सी हवा डाली जाती है और एजिटेशन कंडीशन डाली जाती है. इसका जो टेम्परेचर है वो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस. पीएच रेंज है 7 से 8 और टाइम है 5 से 7 दिन का टाइम दिया जाता है. फर्मेंटेशन प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमायसिन वो 3 फेज में इन्वॉल्व होती है. सबसे पहले तो हम एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को डालेंगे. देन जो है उसमें देख पा रहे हैं आप कल्चर को प्लेस करेंगे सैंपल ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ए शेक फ्लास्क विद ग्रोथ प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर डाल देंगे हम. इसमें क्या होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको यूज़ करके अपनी ग्रोथ करेंगे. एंड देन क्या होगा फर्मेंटेशन में, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू टू ग्रो एंड एक्सक्रीट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द डिजायर्ड एंटीबायोटिक. सीड टैंक को हम इक्विप करते हैं मिक्सर टू कीप द ग्रोथ मीडियम एक्टिव, ताकि जो ग्रोथ मीडियम है हमारा वो क्या रहे, वो हमारा ग्रोथ मीडियम एक्टिव रहे. ग्रोथ मीडियम ऑलवेज क्या रहे, एक्टिव रहे. ग्रोथ मीडियम को एक्टिव रखने के लिए इसको हम इक्विप कर देते हैं. एंड देन हमारे पास फेज आएगी, फेज वन इनिशियल फर्मेंटेशन फेज एंड देर इज अ लिटिल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक. ये इनिशियल फर्मेंटेशन फेज है जहाँ पे बहुत ही कम प्रोडक्शन होती है एंटीबायोटिक की. रैपिड ग्रोथ होती है यहाँ पे माइसिलियल बायोमास, किसके प्रोडक्शन के साथ, माइसिलियल बायोमास के साथ रैपिड प्रोडक्शन है. प्रोटोलिटिक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज स्ट्रेप्टोमायसिस गरीसियस रिलीज NH3, क्योंकि हम यहाँ पे जो डाल रहे न्यूट्रिएंट्स वहाँ से क्या रिलीज करेगा NH3. करेक्टराइज इसको कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं, बाय द रिलीज ऑफ एमोनिया. एमोनिया रिलीज होगा, कार्बन न्यूट्रिएंट्स सोया में यूटिलाइज हो जाएगी, ग्लूकोज जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी धीरे धीरे. जो धीरे धीरे यूटिलाइज होगी, जैसे यूटिलाइज होगी NH3 का, अमोनिया का रिलीज होगा सोया मिल से. उसके बाद है फेज टू लिटिल प्रोडक्शन ऑफ माइसिलिया, क्योंकि माइसिलिया की लिटिल प्रोडक्शन होगी, ग्लूकोज ऐड करेगी मीडिया के अंदर और NH3 जो रिलीज हुई है वो कंज्यूम्ड हो जाएगी. पीएच कॉन्स्टेंट रेंजिंग रहेगा 7.6 से लेके 8 तक, मतलब बेसिक रहेगा इसका पीएच जो रहेगा. फेज सेकंड बार समझा देती हूँ, लिटिल प्रोडक्शन माइसिलिया क्योंकि ग्लूकोज को हम ऐड करेंगे, NH3 रिलीज हो जाएगी सोया मिल से, वो कंज्यूम हो जाएगी. पीएच जो है वो कॉन्स्टेंटली रेंजिंग रहेगा 7.6 to 8. एंड द नेक्स्ट इज फेज थ्री, फाइनल फेज है फर्मेंटेशन का फेज थ्री. फेज वन में हमने देखा कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, तो बिल्कुल थोड़ी सी प्रोडक्शन हुई जब हम ग्लूकोज डाल रहे थे, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कार्बोहाइड्रेट डाल रहे थे. इसमें हम क्या देखेंगे कि डिप्लीशन, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही टूट चुका हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमायसिन प्रोडक्शन सीजेस हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल लाइज हो जाएगी, मरने स्टार्ट हो जाएगी, अमोनिया फ्रॉम लाइज सेल इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जो अमोनिया है NH3 है उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, तो बेसिक नेचर का है तो इस पीएच को क्या कर देगा, पीएच को इंक्रीज कर देगा. उसके बाद जब हमने फिल्टर्ड ब्रॉथ लिया तो उसको हम वाटर डाल के क्या करेंगे, वाटर डालेंगे एंड वाटर डाल के हम उसको डाइल्यूट कर देंगे. देन डाइल्यूशन करने के बाद एड्सॉर्प्शन करवाएंगे किस पे, सोडियम फॉर्म में एक एम्बर लाइट ICR के अंदर, जहाँ से क्या होएगा आयंस का रिमूवल हो जाएगा, क्योंकि हम EDTA डाल रहे हैं जिलेटिंग एजेंट जिसका pH 8 है. देन उसको हम एल्यूशन करेंगे विथ 2.5 नॉर्मल H2SO4 विथ pH ड्रॉप्स टू 5.4. फिर उसके कारण pH कितना गिर जाएगा, pH बिल्कुल 5 बिल्कुल गिर जाएगा. डीकलराइजिंग डालेंगे डार्को G6, एंटीजन रिमूवल डालेंगे ताकि कोई एंटीजन है वो भी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए. बाय फिल्ट्रेशन थ्रू पॉली एक्रेलामाइड जेल ग्लूकोज एसिडेट और बाय डायलिसिस कंसनट्रेशन बन जाएगी इवेपोरेशन से. उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रेप्टोमायसिन सल्फेट 98% सल्फेट जो हमें मिल जाएगा. डेट्स बिंग